इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अरे नहीं नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है सर, मुझे क्या तकलीफ होगी, बस सर एक इत्तू सी सर मेरी रिक्वेस्ट है सर, एक गुजारिश है, एज स्मॉल एज दी एंड, इत्तू सी सर मेरी गुजारिश है कि सर वो मुझे ना अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मेरे मोबाइल फोन का कैमरा और माइक्रोफोन कोई मेरी बिना परमिशन के रिमोटली ऑन करे और वो एक आईटी सेल में बैठा बंदा मेरी सारी प्राइवेसी ब्रीच करे, बस ये गुजारिश है सर, और बाकी कुछ नहीं चाहिए सर, बाकी सब चंगा सी। मजा नहीं आ रहा है। अरे सर आपको मजा क्यों आएगा सर, मजा तो उसको आएगा ना, वो जो आईटी सेल में बैठा हुआ सर, अब देखिए सर इमेजिन करिए सर, हस्बैंड में लड़ाई हो गई है ना, और वाइफ क्या ना हस्बैंड की सुताई लगा रही, चप्पल से मार रही, लगे 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 लगे, तो ये सारी जो कॉन्वर्सेशन है ना, बातें हैं, पति के चिल्लाने की आवाजें हैं, वो सब कुछ वो मजे लेगा वो जो आईटी सेल में बैठा है। ऐसी सर वो जो वैलेंटाइंस वीक है जो आने वाला है, जो कपल्स अपने प्लान्स वगैरह बनाते हैं ना, वो जो है वो सब बैठे बैठे वो आईटी सेल वाला सुपर सर वो मजे लेगा सर। आप सर क्यों बोल रहे हैं मजा नहीं आया है ना, और इस तरीके से सर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं जस्टिस हैं वो कोई इम्पोर्टेंट जो है वर्डिक्ट देने वाले हैं, और जो उनकी इंफॉर्मेशन है जो कम्युनिकेशन वो कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें सर पता है वो जो बैठा हुआ है बिल्कुल गंदा आदमी आईटी सेल के अंदर, वो सर उनकी बातें सुन पाएगा। जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जनता का क्या रुख है, isn't it? घर में क्या बातचीत चलती है, वो सब कुछ माइक्रोफोन के थ्रू अगेन दैट बदमाश आईटी सेल वाला इंसान वो सुन पाएगा सर। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं है ना, वो क्या करने वाले हैं, उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो क्या करने वाले हैं सर, उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, अगेन वो बदमाश आईटी सेल वाला ये सब मजे उठाएगा सर। सर ये तो बहुत गलत हो जाएगा, आपकी क्या राय है सर? क्या सीन है, वह क्या सीन है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है सर, ये तो अपार सीमा होगी सर, अपार सीमा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है आप तो सर जानते ही होंगे, इस सॉफ्टवेयर की खूबी यह है कि ये जीरो क्लिक अटैक पे काम करती है, मतलब वो जो पुराना तरीका था ना सर कि व्हाट्सएप पे जो लिंक्स भेजी जाती थी, स्पैम ईमेल्स आते थे, टेक्स्ट से जाते थे, उस पे क्लिक कर दो बड़ा बड़ा बड़ा, वो सब चक्कर ही नहीं है सर, अब तो रिमोटली ना सर कोई कोई फोन करेगा व्हाट्सएप पे, अगर आपने उठाया भी नहीं है फोन तो भी वो जो सॉफ्टवेयर है पेगासस आप देख सकते हैं, जो भी एनोसो ग्रुप ने डिजाइन किया है, जो मेरे बैकग्राउंड में लोगो लगा है, इजराइल की जो कंपनी है, वो जो है इंस्टॉल कर पाएगा मोबाइल फोन में। सबसे बड़ी दिक्कत तो सर यही है, जीरो क्लिक अटैक, अब क्या करें सर, हिपोक्रेसी की तो सच में सीमा हो गई। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक तो ये खुलासा तो ऑलरेडी हो चुका है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं, इवन द सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उनका भी नाम आ चुका है, और जो हमारे इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इन सबका सर नाम आ चुका है, और भी बहुत सी पर्सनैलिटीज है, मुझे तो डर लग रहा है सर, प्लीज हमको बचा लीजिए सर, प्लीज सर, अगर ऐसी सब स्पाई होता जाएगा तो क्या होगा, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे सर, तुमको प्लीज बचा लीजिए। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। सर आप तो महाबली हैं सर, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते सर, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि ये जो बदमाश आईटी सेल वाला है जो बैठा हुआ है वहां से बदमाशियां कर रहा है, बिल्कुल अपनी गुंडाड़े लगा रहा है, आप इसके अच्छे से क्लास लीजिए सर, आंखों की हरकतों ने, और सर क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि फॉरेन मीडिया सर, फॉरेन मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स, हाँ खैर छोड़िए, तो सर अच्छा नहीं लगता ना कि फॉरेन मीडिया हमारे बारे में सब छाप रहा है, isn't it? देश की बात तो अंदर की तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, हमारे जो मीडिया पर्सन है जैसे कर रहे हैं, फॉरेन मीडिया सर छाप रहा है, तो वर्ल्ड पे जो है एक इंटरनेशनल रीना पे सर अच्छा मैसेज ये नहीं जाता है, तो आप इसकी क्लास लीजिए, क्योंकि सर देखिए आप ही ने तो कहा है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।
भारत माता की जय। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।